नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। कभी भी हो सकता है ऐलान तारीखों का। आखिर में क्या खेल है तारीखों का? खैर देखिए, साधना की खास पेशकश सियासी एजेंडा में। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। ऐसे में क्या कुछ होना है यह देखने की स्थिति है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं वो फाइनल माने जा रहे हैं। ऐसे में जो स्थितियां बनेंगी कि दोनों दल ही नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं निकाय चुनाव की तारीखों को ऐलान में हो रही देरी पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते होने वाले नुकसान से बचने के लिए बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव कराने से बच रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरी निकाय तारतों की बढ़ती कीमतों से डरी हुई है और इसीलिए जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को बीजेपी का खिलौना भी बताया। वहीं बीजेपी ने समय पर निकाय चुनाव नहीं होने के लिए कांग्रेस की कमलनाथ को जिम्मेदार बताया। नगरी निकाय चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए दोनों ही दल नगरी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और आज होने वाले राज्य निर्वाचन आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव कब होंगी। हालांकि निकाय चुनाव की तैयारियां तो पूरी हो गई है, बस तारीखों के ऐलान के साथ ही घमासान भी शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। और चूंकि कभी भी फैसला हो सकता है तारीखों के जो खेल हैं, आज चुनाव आयुक्त बीपी सिंह मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है। खैर इसी विषय पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में गेस्ट बैठे हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। कांग्रेस से पैरोकार के रूप में बैठे हुए हैं सुदेश शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राकेश जी, सीधे सीधे आपकी ओर आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी पर आपके मित्र या कांग्रेस पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि जो पेट्रोलियम है उसकी बढ़ती हुई दरें, बढ़ती हुई कीमतों के कारण भारतीय जनता पार्टी नगरी निकाय चुनाव कराने से बच रही है। अरुण जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उसमें आपकी गिनती होती है जी। अरुण जी, आपको आश्चर्य इस बात पर नहीं होता कि अभी चंद दिन पहले गुजरात में चुनाव हुए, मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसके परिणाम आए हुए, और जितनी भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली कि वहाँ जितने नगर निगम में चुनाव हुए पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी ने जीते, नगर पालिका के पूरे जीते, तालुका चुनाव पूरे जीते, और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से गुजरात में सफाया जी। तो कांग्रेस पार्टी को बोलने से कम एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, प्रदेश की स्थिति, राष्ट्र की स्थिति को पे भी नजर रखना चाहिए। आप देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी जो युवा हृदय सम्राट हैं लगातार मध्य प्रदेश के जिलों में जा रहे हैं। आप देखिए कि अभी कटनी गए थे, फिर उसके बाद रीवा गए, फिर रतलाम गए, उसके बाद छिंदवाड़ा गए, उसके बाद लगातार दौरे इंदौर जाना है और अन्य शहरों पर लगातार पूरे प्रदेश का दौरा माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। हमारे संगठन के सह महामंत्री हितानंद शर्मा जी कर रहे हैं, उनके साथ लगातार दौरा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे पूरे जिले के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत हो रही है, वो सोशल बैरियर से सीधी बातचीत हो रही है, पर लगातार पार्टी के दौरे अध्यक्ष जी के चल रहे हैं। उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जिलों के दौरों पे आप देख रहे जा रहे हैं आप पर एक बात, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी जो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और जो कुछ सुलझे हुए प्रवक्ता उसमें सुदेश शर्मा की गिनती आती है और बिल्कुल ईमानदारी से सच बोलते हैं, जरा एक बार इनके सीने पे हाथ रख के आज पूछ लीजिए कि कमलनाथ जी कहाँ है और कौन से जिले में वो अभी तक अध्यक्ष के रूप में या नेता प्रत्यक्ष के रूप में दौरा किया जी। या तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं या तो कमलनाथ दिल्ली में पाए जाते हैं, वो रहे सारे दिन भोपाल में गुजारते हैं।
कांग्रेस पार्टी 24 घंटे घर में बैठी हुई है, व्हाट्सएप, फेसबुक पे और मीडिया के सामने बयानबाजी के अलावा कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, और हम जमीनी स्तर पे जा रहे हैं। आप देखिए, आपने कल ही देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो एक समिति का गठन किया है, माननीय भगवान दास सवना जी को संयोजक बनाया गया है, उमाशंकर गुप्ता से लेके भूपेन मंत्री उसके सदस्य बनाए गए, तो पार्टी तो पूरी तैयारी से मैदान में खड़ी हुई है। और आपको कहां कमी दिख रही है वो आप मुझे आज बता दीजिए। सुदेश जी से चर्चा कर लेते हैं। सुदेश जी, जो आपका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है चुनाव कराने से, क्योंकि जो महंगाई की जो मार है जनता पे पड़ रही है, तो वो टाइम को खींचना चाहती, लेकिन उन्होंने आरोप भी जड़ दिया है कि ऐसी स्थिति में चूंकि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कहाँ है? कमलनाथ जी कहीं परिदृश्य में नजर नहीं आ रहा है। देखिए अरुण जी, आप तो पत्रकार होने के साथ साथ सबसे पहले शिक्षाविद हैं, और शिक्षाविद को सब दिखाई देता है किधर क्या हो रहा है। आपको पता होगा इंदौर में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कमलनाथ जी उसके मुख्य अतिथि रहे, ग्वालियर में हो चुका है, रीवा में हो चुका है, संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। रहा सवाल इस बात का कि हम वार्ड स्तर से लेके ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर हमारी जो समितियां हैं, जो चयन समितियां हैं टिकटों की, जो टिकट के लिए नाम चिन्हित किए जाएंगे, जो राय सुमारी कर रहे हैं, वो निरंतर संपर्क में है और संपर्क कर रहे हैं और अपने दौरे कर रहे हैं। रहा सवाल इस बात का, हमारे विद्वान साथी बड़े जुझारू प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं, और मैं समझता हूँ दिल से पक्ष रखने वाले व्यक्ति पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक ही दिखते हैं, जो सिर्फ पार्टी की वफादार सिपाही और कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। मुझे ये मुझे कहीं दलाली में नजर नहीं आए, ये मुझे कहीं ट्रांसफर की सूची में लिस्ट लेते हुए नजर नहीं आए, मुझे हमेशा दिखते हैं, पार्टी की बात को दमदारी से रखते हैं। उन्होंने अगर मेरी प्रशंसा की है तो मैं उनका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभारी रहता हूँ उनका कि ऐसा स्नेह को बनाए रखे। लेकिन मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे भाई, मैं आपको जब बता दूं कि महंगाई की मार से इतनी परेशान है जनता कि अभी पंजाब में नगरीय निकाय चुनाव हुए, वो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, एक सीट नहीं मिली पंजाब में। अब राज्यसभा इस बात का आप कहते हैं कि आपके माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था 2014 में कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो उनकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ हिंदी प्रदेशों में बहुत बंपर सीटें आई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें लोकसभा की 2014 में जबरदस्त सीटें आई, लेकिन 2018 आते आते क्या हुआ, छत्तीसगढ़ आपके हाथ से चली गई, मध्य प्रदेश चली गई, राजस्थान चली गई, ले ली है। वो ले ली कैसे, ले ली वो किसी से छुपा नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हमको जनमत हमें मिला था, जनादेश हमें मिला था, ठीक है, आपने खरीद फरूद करके अपनी चालाकियों से, चतुराई से सीटें कैसे भी करके सरकार हथिया ली, वो आपका विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खिसका हुआ है, परेशानी में है, और आज महंगाई के इस दौर में डीजल, पेट्रोल और गैस की ये चुनाव से दूर भाग रहे हैं। चलिए, सुदेश जी ने आरोप लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, वही एक पुरानी बात बोली, लेकिन साथ ही राकेश जी एक चीज और भी है इन्होंने या इनकी पार्टी ने यह भी कहा कि जो चुनाव आयोग है मध्य प्रदेश का, वो आपके हाथों की कठपुतली है या आपके हाथों का खिलौना है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का। देखिए अरुण जी, मध्य प्रदेश में अभी 28 स्थानों पे चुनाव हुए, बिल्कुल उपचुनाव हुए जी, मध्य प्रदेश की जनता ने उसमें पूरी तरह से वोटिंग की है, सहभागिता मध्य प्रदेश की जनता ने उसमें जी पार्ट अदा किया। आप देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया, बिल्कुल 15 माह की कमलनाथ सरकार ने ऐसे क्या पाप किए थे कि मध्य प्रदेश की जनता ने सिरे से उसको ठुकरा दिया, और 28 स्थानों में ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर मध्य प्रदेश में एक मजबूत सरकार जी, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि आपने खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, तो जो जनता द्वारा वोटिंग की गई, जनता द्वारा हमको चुना गया और कांग्रेस को नकारा गया, इसके बारे में कांग्रेस के नेताओं को मंथन करना चाहिए कि सिर्फ आरोप लगाने से, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, जनता काम मांगती है। दुखद स्थिति आप देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि महंगाई, मैं कांग्रेस के नेता से ये पूछना चाहता हूँ, आज आप सब्जी मंडी में चले जाइए, 9 रुपए किलो आलू मिल रहा है जी, 20 रुपए किलो प्याज मिल रही है जी, अन्य सब्जी मिल रही है जो 10 रुपए किलो मिल रही है, सब्जी मंडी की बात में नहीं जी, आज दाल के लिए ले चले जाइए बाजार में, दाल खाता आम आदमी जी, 93 रुपए किलो तुअर की दाल मिल रही है। चैनल के माध्यम से सीधे सीधे अगर बात कर रहा हूँ तो इसको पुख्ता रूप से जनता भी जान रही है कि राकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, ये जनता की अदालत में मैं आज बात कर रहा हूँ और जनता के सामने बात कर रहा हूँ। आज आप देखिए, पेट्रोल और डीजल की बात जब कांग्रेस पार्टी करती है,
आप देखिए 15 माह की कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने 3 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वादा किया था कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा 5 रुपए डीजल पे 5 रुपए पेट्रोल पे कम करूंगा। कम करने की जगह अगले ही हफ्ते उनने उस कीमत को बढ़ा दिया। मैं एक और बात सुजय शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि क्या अकेले आलू खरीद रहे थे? आलूओं से आगे कट जाएगा, प्याज से कट जाएगा, सरसों का तेल 150 रुपए किलो है, सब्जी चौकी जाती है 150 रुपए किलो है, एक बार देख बताइए तो। बिल्कुल, अकेले आलू गिरवा देते हो, मुझे इनको समय दे दीजिए। सुदेश जी आपके पास आ रहे हैं, बोल लेंगे। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में 3 बार पेट्रोल और डीजल के रेट हमने कम किए, वो कांग्रेस की सरकार आते ही 3 बार उसके दाम बढ़ते हैं। आप आज अंतरराष्ट्रीय स्थिति ये देखिए कि पेट्रोलियम कंपनी को सरकार से मुक्त करने का काम कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया, जिस तरह से पेट्रोलियम कंपनियों पर सरकार का सिकंजा था उसको मुक्त करने का काम कांग्रेस ने किया। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोज डीजल और पेट्रोल के दाम तय होते हैं, उसके हिसाब से आप देखिए कि उसके बाद भी सरकार उसमें आगे कदम उठा रही है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं सामान्य से बात कहना चाहता हूँ। आज मेरे विद्वान साथी कह रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी जीत गई, राजस्थान में चुनाव होते हैं कांग्रेस की सरकार रहती है, वहां नगरीय निकाय और नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कश्मीर में चुनाव होते हैं वहां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, असम में भारतीय जनता पार्टी और 2 दिन पहले गुजरात में चुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी। आप आने वाले 2-4 महीने पहले, 400 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले पंजाब में अगर कुछ होता है उसके लिए गाते हो, पर आप ना असम की बात करते हो, ना आप जवाब ले लेते हो, ना आप राजस्थान की बात करते हो, ना आप कश्मीर की बात करते हो। मुझे आश्चर्य होता है, जहाँ कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता है वहां की बात। अब आप स्थिति ये देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, आज तक सोनिया गांधी जी गई क्या? कल प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है, ऐतिहासिक सभा होने वाली है, अमित शाह जी के 25 दौरे हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 30 दौरे हो गए, हमारे नेता लगातार चुनाव में काम करते हैं, इसलिए हमें सफलता मिली है। आज अध्यक्ष हर दिन कहीं ना कहीं इसी जिले में जा रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं जा रहे और लगातार आरोप लगा रहे? सुदेश जी यहाँ पे जो आरोप लगे हैं वो ये है, आपके सवाल के जवाब के साथ साथ कहा गया है कि उनके जो पार्टी के नेता हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले सबसे पहले यही जवाब दे दूं, नहीं भूल जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में इस समय चल रहा है हम दो हमारे दो, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह दो हो गए, अदानी और अंबानी दो हो गए, सोनिया जी और राहुल जी क्या है वो जरा आप बता दीजिए। लेकिन हमारे कांग्रेस में छोटे तीसरे नेता का नाम बताइए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, शीर्ष नेता तक तीसरे नेता का नाम बताइए होती है, सोनिया और राहुल के अलावा तीसरे नेता का नाम बता दीजिए, कहाँ जवाबदारी दी गई, बोल पाएंगे आप किसी का नाम? चलिए मैं भी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सामान्य सबका दूर कर दीजिए, मेरी तीसरा नेता कौन है कांग्रेस पार्टी में? राहुल और सोनिया के अलावा एक बार सुन लीजिए, कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ कांग्रेस एक समुद्र की तरह है, हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ हम दो हमारे दो वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ जवाबदारियां तय होती है, किसी का जवाबदारी जीत 24 किसके लिए बना था ये भी बता दीजिए, अगर आसाम अगर आपके यहाँ लोकतंत्र है तो जीत 24 किसके लिए बना था? मुख्यमंत्री की लगी है तो वो लगे, आजाद हो अगर आजाद हो, चाहे सिब्बल हो, चाहे शर्मा हो, जो आपके राष्ट्रीय नेता है, ये आज क्यों अलग खड़े हुए? जवाबदारियां सबका सुनना जा रहा है, अभी बता दीजिए। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, आपका एक जवाब हो गया, दूसरा आपने कहा जब क्रूड ऑयल की कीमत 2014 के पहले पहले की बता रहा हूँ मैं, जब 100 से 120 डॉलर तक हुआ करती थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल सर्च कर लीजिए अभी, तब हमारे देश में 70 से आगे पेट्रोल नहीं बढ़ पाया, ये हमारी सरकार, लेकिन तीन बार बढ़ाया कांग्रेस ने, आज ये सरकार में 83 रुपए, भोपाल में मैंने पेट्रोल खरीदा, भोपाल शहर में, आज राजधानी भोपाल में, आज 100 खरीद रहे ना, अरे तो ठीक है ना, अरे COVID-19 आपको ये बता दीजिए, COVID-19 को जनता समझ रही है, तकलीफ को जनता समझ रही है, और जनता हमारे साथ खड़ी है, किसान गुजरात में नहीं पा जाते, जनता पेट्रोल नहीं खरीद रही है गुजरात में, क्यों सफलता मिली मुझे गुजरात में ये बताइए, हमारी पार्टी को क्यों सफलता मिली ये बता दीजिए, आपके बहकावे में जनता नहीं आ रही है, ये स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। राकेश जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, एक शिक्षाविद पत्रकार के साथ बैठे हुए हैं, मैं मान सकता हूँ मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन हाँ 35 वर्ष से राजनीति में हूँ, सच समझता हूँ। आज क्रूड ऑयल की कीमत 51 डॉलर है, ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए, यहाँ जब पेट्रोल डीजल बनता है देश में आके, बनने के बाद उसकी कीमत मात्र 30 रुपए होती है,
केंद्र की सरकार 30-32 रुपए ले लेती है और मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य की सरकार 30-32 रुपए ले लेती है। इस हिसाब से 30 रुपए की चीज पर 60 रुपए टैक्स, इतना टैक्स क्यों? अरे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश में आप खुद समझिए कि जो मानता हूं कि सरकारें टैक्स चलती हैं, जब आयात व्यवस्थाएं होती है टैक्स वैक्स की तभी सरकारें चल पाती। मैं मानता हूं कर्जा लेना पड़ता है, अरे कर्जा आपने लिया है तो किसानों की जेब क्यों काट रहे हो आप? डीजल पेट्रोल के भाव कम कर दीजिए। आप बताइए एक मिनट, दिसंबर 1 दिसंबर से 1 मार्च तक 200 रुपए गैस कनेक्शन पर बढ़े, 200 रुपए हर माह। महंगाई की बात समझ में आ रही है सुदेश जी। और इसलिए तो एक गीता बाई नाम की है बाई, इसको उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन मिला था। जवाब ले लेते हैं, बैठे हुए हैं सरकार के पूरा जवाब प्रतिनिधि जी। उसका गैस कनेक्शन नंबर है 14144 गीता बाई, आप नोट कर लीजिए। उसने जब से उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला आज तक रिफिल नहीं करा पाई, क्योंकि कीमत इतनी ज्यादा है, रिफिल नहीं करा पा रही है। तो इनकी सारी योजनाएं खोखली है, हेडिंग के लिए योजनाएं बनती है और हेडिंग देश में बन जाती है। हेडिंग से चलिए सुदेश जी, जब इसी का जवाब ले लेते हैं। एक कोई उदाहरण दिया है महंगाई को लेके, और आपके प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी उज्ज्वला, उसमें गीता बाई और उनका एक नंबर भी बताया है, क्या कहेंगे? देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी, जब विद्वान साथी सुदेश शर्मा जी चैनल पे बात करते हैं जी। मैंने एक प्रश्न किया था जी, ये कह रहे थे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, ये जीत 24 क्या है? आज तक तो मैंने ये, आपने भी सुना होगा अरुण जी, कि देशों का की जो बैठक होती है उसका एक नाम रखा जाता है G9, G26। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने G24 बनाया, क्यों बनाया? कि गांधी परिवार को हटाओ और आम आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाओ। 24 नेता है टॉप के कांग्रेस पार्टी के। दूसरी बात, मैं सुदेश शर्मा जी आप बहुत विद्वान है, कितना सम्मान से जवाब देना चाह रहा है, सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए जी। आप बहुत विद्वान है, जरा मुझे बोलने दीजिए। मेरा निवेदन है सुदेश जी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेट लगता है राजस्थान में 38% पेट्रोल पे और 28% डीजल पे। आप पता कर लीजिए, आप किसी भी कांग्रेस नेता को रुपए में लगता है भाई, आप बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए। आप ये नहीं, आप जनता समझदार है, आप अपडेट रहिए, निर्णय उसका कर लीजिए। ये हमारे देश में आने के बाद 30 रुपए का पड़ता है, 30 रुपए का कर लेने दीजिए, 30 रुपए का पड़ता है, सुन तो लीजिए, आप जनता को निर्णय कर लेने दीजिए, सुन तो लीजिए। मुझे बोलने को नहीं पता, मेरा निवेदन है पेट्रोल जब बनता है हमारे देश में 30 रुपए 90 पैसे का बनता है, जो हाईटेक मोबाइल है ना, सारी चीजें हाईटेक, तो इसलिए तो मैं जानता हूं जनता के हर व्यक्ति के पास है, मैं जानता हूं इस बात को, किसी ने बताया हमें कर लेंगे सुदेश जी, सबसे ज्यादा वेट लग रहा है राजस्थान जी, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दिलवा, अरे हमारे छत्तीसगढ़ का अनुसरण कर लीजिए आप, मुझे बोल लेने दीजिए भाई साहब, 12 रुपए कम कर दिया है, चिल्ला क्यों रहे? हकीकत छत्तीसगढ़ में आती है, अरे उसकी बात कर लो ना, चेहरा जब आई कांग्रेस की हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहाँ डीजल पेट्रोल पे पैसे कम हुए कि नहीं हुए? आप हाथ में बता दीजिए, बोकला क्या जाते हुए कि नहीं हुए, बोलता लेने दीजिए ये बात, छत्तीसगढ़ में रेट कम हुए कि नहीं हुए, डीजल पेट्रोल राजस्थान सरकार ने क्या नहीं किया? आप छत्तीसगढ़ का अनुसरण कर लो, पड़ोस में हमारे छत्तीसगढ़ है, आप मुझे बोल लेते, क्या बोल रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे? अरुण जी, अरुण जी, 70 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाने की बात करती है, नारा लगाती रही, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस ने गरीबी हटाने की बात की। आज किसी गरीब को पक्का मकान मिला हुआ है, लेंटर की छत मिली हुई है, सीमेंटेड मकान मिला हुआ है, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द। आज उस गरीब के घर में अगर उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर पहुंचा तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। आज नल जल योजना के तहत उसके घर में पानी पहुंच रहा है, नल का पानी जो 10 किलोमीटर दूर से मटका सर पे रख के लेके आती थी, आज उसके पानी पहुंच रहा है, कांग्रेस को दर्द हो रहा है। आज कहीं ना कहीं उसके घर में अगर बल्ब जल रहा है, बिजली का बल्ब जल रहा है, लाइट है 24 घंटे, तो कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है। आज अगर गरीब को 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि ये सिर्फ बात करते हैं गरीब हटाने की, और हमने आज प्रधानमंत्री मोदी ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसके घर में उजाला लाया, उसको पक्का मकान दिया, उसको गैस का चूल्हा दिया, उसके घर बिजली दी है। कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाई है, और दुख इस बात का होता है, COVID-19 की वैक्सीन मध्य प्रदेश में आती है या हिंदुस्तान में आती है, कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाती है। मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान वैक्सीन लगाते, क्यों नहीं कमलनाथ वैक्सीन लगाते,
क्यों नहीं राहुल गांधी सोनिया गांधी वैक्सीन लगाते? बिल्कुल आपसे प्रश्न करने के लिए आए वो सारे जवाब कौन देगा? बिल्कुल जवाब इसलिए आपको नकारती है। स्वदेश जी को देना, स्वदेश जी एक प्रश्न है, आपको आपके मित्र की बातों का जवाब भी देना है। वहीं जिस तरह से आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगा दिया है कांग्रेस ने कि महंगाई के कारण चुनाव नहीं करना चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करते हुए कह रही है कि जो देरी हो रही है उसके लिए कमलनाथ जिम्मेदार हैं। देखिए ये देरी हो रही कमलनाथ जी सरकार में नहीं है, कमल जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। ठीक है ना, दूसरे के उधर फोड़ने से क्या फायदा होगा? हमारे विद्वान मित्र ने अभी कहा है कि राजस्थान की सरकार नहीं कर पा रही है ऐसा। छत्तीसगढ़ हमारे पड़ोस में हमारे प्रदेश से एक हिस्सा बनकर अलग हुआ है, अभी पार्टीशन लगा है, अभी न्यारे हुए हैं। चार दिन पहले तो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उसकी बात कर ले जरा। हमने डीजल पेट्रोल वहां कम किया कि नहीं किया? बिल्कुल हमने टैक्स कम कर दिया, तो आप उनका अनुसरण कीजिए ना। अब आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, मैं बिल्कुल अक्षर सा बोल रहा हूँ। संक्षेप, एक्चुअली समय हो गया है, संक्षेप में बोलूंगा। लाहार क्षेत्र के दबो कस्बे में वार्ड नंबर 10 में हनुमान जी के मंदिर के पास सतीश कुमार संतोष कुमार के मकानों पे आज तक छत नहीं गिर पाई, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त उनको पूरी नहीं मिल पाई आज तक। और ऐसा ऐसा हाल पूरा झूठ बोला करो भाई साहब, जो झूठ बोला करो सुरेश जी, अच्छे रोकना रोकना चाहूंगा सुरेश जी, चेहरे पे झूठ बोल रहा है सुरेश जी, दबो से जुड़ा हुआ है सुरेश जी, जानकारी गलत हो तो मैं चलिए चलिए बिल्कुल दुरुस्त कर लेते हैं राकेश जी, चूंकि समय कम है बाइंड अप करना है। एक संक्षेप में आपसे कमेंट चाहता हूँ कि तारीखों का ऐलान होने वाला है आज जो है निर्वाचन आयोग जो है कलेक्टरों से चर्चा कर रहा है, ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देरी जानबूझकर कर रही है क्योंकि महंगाई की, संक्षेप में अपना जवाब देंगे। देखिए मैं जी, तो अरुण जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जी, प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार दौरे कर रहे जी, मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं, हमने अपनी चुनाव संचालन समिति घोषित कर दी है। आप देखिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में है, और कल अगर घोषित हो जाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है जो निर्णय करती है कि कब चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें ना भाजपा का कोई रोल है ना सरकार का रोल है। पर कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या ये है कि हर वो न्यायिक मशीनरी पे तब तक प्रश्न खड़ा करती है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान मोदी जी के साथ खड़ी है और परिणाम हमारे पक्ष में बिल्कुल निश्चित रूप से। तो जहां एक और जो निकाय चुनावों की घोषणा होने वाली है, हो सकता है अब से कुछ समय बाद हो जाए, खैर समय के गर्त में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां चुनावों को तारीखों को लेकर आशान्वित है और यदि कल की भी होती है तो उसके लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस के मित्र लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ होने वाला है फिर किसी दिन इसी विषय पर आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।